इसका आगे वर्णन आता है। तीन पुत्री, दो पुत्र, देववती, आकुति प्रसूति। तीन पुत्रियां, उत्तानपाद परिव्रत, दो पुत्र। देववती की शादी करदम्स हुई, आकुति की शादी रुचि से, प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति से। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि, सुनीति। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। परिव्रत की शादी हुई वरिष्ठमती से। तो इसके बाद करदम देववती की 9 पुत्रियां थीं, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हरिभू, गति, क्रिया, ऊर्जा, चित्ती और ख्याति। तो जो कला का विवाह मरीची से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, हरिभू का पुलस्त्य ऋषि से, गति का पुलह से, देव और क्रिया का कृतु से, ऊर्जा का वशिष्ठ से, चित्ती का अथर्व से, ख्याति का भृगु से। ठीक है। तो उसके बाद आकुति जो मनु की दूसरी पुत्री, उनका विवाह रुचि से हुआ और उनसे भगवान यज्ञ का जन्म हुआ। भगवान यज्ञ भी एक अवतार हैं। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिसकी 16 पुत्रियां थी, जिनमें से एक थी सती। सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। भगवान सती एक बार एक्चुअली क्या हुआ कि दक्ष ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सभी लोग आए हुए थे। तो जब दक्ष आए तो सब लोग खड़े हो गए दक्ष के सम्मान में, सिवाय दो को छोड़ के। दो कौन? एक ब्रह्मा और एक शिव। तो ब्रह्मा तो दक्ष के पिता हैं, तो कोई बात नहीं। शिव क्यों नहीं खड़े हुए? इस बात से दक्ष को बड़ा गुस्सा था। उसने उनको बहुत बुरा भला कहा और इस बात को वो खुन्नस अपने मन में हमेशा रखते थे। कौन? दक्ष प्रजापति। तो इस यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ। भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भोले हैं, उनके सबसे फर्क नहीं पड़ता। कोई बुलाए ना बुलाए, कोई कुछ कहे, हमसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करोगे, तीसरी आँख खोल देते हैं, अपने आप देख लो। फिर एक बार कामदेव के ऊपर खोल दिया, कामदेव का काम हो गया, है कि नहीं। फिर बाद में बेचारे इतने समय बाद आए रुक्मिणी के गर्भ से। तो उसके बाद एक बार उन्होंने दोबारा एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया और शंकर जी को नहीं बुलाया। अब हुआ क्या कि सब लोग जा रहे थे, अपने अपने विमानों से जाते थे, बातें करते थे। तो उन बातों को सुन के माता सती ने जाना कि हमारे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा यज्ञ। तो उनकी भी इच्छा हुई जाने की। तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हम चलेंगे। भगवान शंकर बोले, देखो बुलाया तो है नहीं और आप जानते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पिता को देखो कैसे हैं, वो कुछ गड़बड़ होगी फिर टेंशन होगी, इसलिए ऐसा करो, जाओ ही मत। तो उनको तो बहुत इच्छा थी कि अरे इतने समय से गए नहीं हैं, मेरी सब बहनें आएंगी, सबसे मैं चिट चैट करूँगी, बढ़िया है अभी मेरा सब है ना, वहाँ जाके मैं अपनी माँ से भी मिल लूँगी, है ना, बहुत सारे रिश्तेदार आए होंगे, सबसे मिल लूँगी। तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, वो तो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो फिर भी उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें जाना, तुम चले जाओ। तो सती गई वहाँ पे। तो जब सती वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। पिता ने तो बात ही नहीं किया, है ना। माँ थोड़ा ठीक ठाक बात करी और देखा वहाँ पे भगवान शंकर के लिए बैठने के लिए कोई स्थान भी नहीं बनाया। तो इस तरीके से सती को बहुत बुरा लगा और सती ने आत्मदाह कर लिया अपनी योग शक्ति से। और वो उन्होंने कहा मैं ये यज्ञ नष्ट कर दूंगी, है ना। तो वो सती ने वहाँ अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ भगवान शंकर इतने नाराज हो गए और उन्होंने अपना एक जटा लिया और जमीन पे मारा और वहाँ से किसका जन्म हुआ? वीरभद्र का। वीरभद्र एक्चुअली में भगवान स्वयं आए कृष्ण वीरभद्र के रूप में अपने भक्त का अपमान का बदला लेने के लिए। भगवान एक चीज नहीं टॉलरेट करते, उनके भक्त का अपमान। ऐसा दक्ष का यज्ञ का हाल किया वीरभद्र ने, जो दांत दिखा के हंसा था उसके दांत तोड़े, जो अपना मूछ ताव में कर रहा था उसके मूछ निकाल लिया, एक एक को मारा तोड़ा सब किया। और जो भगवान शंकर के जो गण वहां गए यज्ञ को नष्ट करने, उन्होंने सबको जो भाग भाग रहे थे उनको पकड़ पकड़ के मारा, और कुछ ने जाके कहा ये यज्ञ की वजह से सब हुआ, यज्ञ में ही जाके पेशाब कर दिया। तो और दक्ष का सिर काट दिया। छोटी सी बात इतना सब हो गया, दक्ष का ही सिर काट दिया। बाद में सब लोग आए, ब्रह्मा जी ने सबकी सिफारिश की भगवान शंकर से। शंकर जी तो तुरंत प्रसन्न होते हैं, उन्हें कोई बुराई नहीं लगता किसी चीज का, तो उन्होंने क्षमा कर दिया और दक्ष को क्या दिया, वापस जिंदा कर दिया। और उसको लेकिन क्या दिया बदले में, अब वो सिर क्या था जो ना इन्होंने आग में डाल दिया था, वो तो जल गया था, तो अब कहाँ से लाए सिर, तो एक बकरे का सिर लगा दिया, है ना। इस तरीके से दक्ष का जो यज्ञ था वो नष्ट हुआ। और इसके बाद वर्णन आता है उत्तानपाद, महाराजा उत्तानपाद के वंश का। तो उत्तानपाद के दो पुत्र थे, उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। ठीक है, सुनीति का बेटा था ध्रुव, छोटा सा 5 साल का। अब उत्तानपाद महाराज जो थे इनको अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से थोड़ा ज्यादा लगाव था, तो उसके कंट्रोल में ज्यादा रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने आसन पे बैठे थे, सिंहासन पे, और ध्रुव ट्राई कर रहा था चढ़ने का। तो उनकी माँ कौन सी वाली, सुरुचि, उत्तम की माँ, है ना, यानी कि ध्रुव की सौतेली माँ, वो कहती है कि बेटे तुम इस जन्म में तो इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते, ना अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो और ना इस सिंहासन पे बैठ सकते हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम चाहते हो इस पे बैठने, इफ एट ऑल यू वांट कि मैं इस गद्दी पर बैठूं, तो तुम्हें नारायण की पूजा करनी होगी, और उस नारायण की कृपा से अगर मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ तो शायद तुम्हें सिंहासन पे और अपने पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। और बहुत बुरी तरीके से उसको डांट दिया। और ध्रुव क्षत्रिय तो था, 5 साल का, उतना गुस्सा आया और रोने लगा। और उसको गुस्सा इस बात से आया कि उसकी सौतेली माँ ने जो बोला सो बोला, उसके पिता ने कुछ नहीं बोला सपोर्ट में। पिता इसलिए नहीं बोले, वो बोलना चाह रहे थे, उनको बुरा लगा, लेकिन उनको ये लगा कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं सूरजी को ना बुरा लग जाए, ठीक है भाई, सब ध्यान रखना पड़ता है। तो बेचारे बोले नहीं, तो रोते रोते ध्रुव अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास। तो सुनीति और दासियों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो सुनीति कहती है कि तुम रो नहीं, और कोई बात नहीं है, वैसे तो तुम्हारे पिता मुझे रानी क्या दासी का भी दर्जा नहीं देते, है ना, तो जो तुम्हारी माँ ने कहा है, सुरुचि ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है ना। तो उसने कहा कि मुझे कहाँ से नारायण कहाँ मिलेंगे। सुरुचि ने कहा कि कई बार गुस्से में बोली हुई बात ऐसे। अब सुरुचि ने तो कहा कि जाओ तुम, नारायण अगर तुम्हें वरदान देंगे, फिर तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होगा, तब तुम राजा बन सकते हो, पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो उनकी सुनीति कहती है, उसका नाम भी इसलिए सुनीति, वो हमेशा उन्होंने क्या नीति दिया, अच्छी नीति। तो उन्होंने, सुनीति ने कहा कि जो सुरुचि ने कहा है ना, नारायण के पास जाओ, वही सही बात है। क्योंकि जो कुछ भी चाहिए वो नारायण ही दे सकते हैं। मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। जो दे सकते हैं, कौन दे सकते हैं? नारायण। नारायण कहाँ मिलेंगे? जंगल में। सुनीति कहती है कि मुझे पता नहीं, पर मैंने संतों से सुना है कि नारायण जंगल में रहते हैं। तो ध्रुव की उम्र क्या थी? 5 साल। उनकी माँ क्या कहती है? तुम्हें नारायण की पूजा करनी चाहिए, जाओ जंगल में जाओ। 5 साल का बच्चा, उसकी माँ कह रही है जाओ हाँ जंगल में। जंगल भी उस समय इतने खतरनाक होते थे, आजकल तो 10 जंगल में मिला के 1 शेर होता है, पहले एक ही जंगल में कई खतरनाक खतरनाक जानवर। 5 साल का बच्चा चला गया वो जंगल में। वहाँ पे आए नारद जी। रास्ते में नारद जी भागवतम के 2nd हीरो हैं। 1st कौन है? कृष्ण। और 2nd कौन है? नारद जी। पूरे भागवतम में नारद जी का इधर से उधर, इधर से उधर, जहाँ नहीं कुछ हो रहा है वहां नारद जी जाके करवाते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं वृंदावन में आराम से। तो नारद जी ने सोचा यार 10 साल हो गए, अभी कब मारेंगे ये, तो एंजॉय कर रहे हैं, काम कब करेंगे भगवान। जाके कंस को बता दिया, तुम्हें पता है कौन है असली वो? ये वही है कृष्ण, मारो इसको, बुलवाओ इसको। जो नहीं हो रहा था पहले शुरू में भी, वो कंस ने तो कहा ले जाओ तुम, पहले पुत्र को नहीं मारना है। वसुदेव से कहा, नारद जी ले गए वहां पे एक कमल का फूल, कौन सा पहला, गिन यहाँ से गिन यहाँ से गिन। कंस कहता है तुम्हें मेरा दोस्त है भाई, थैंक यू थैंक यू। तो नारद जी ने ध्रुव से कहा कि भाई क्या हो गया? तो बोले वो ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो जा रहा हूँ नारायण की पूजा करूँगा। तो नारद जी कहते अरे तुम अभी 5 साल के हो यार, क्या इतना टेंशन लेते हो, है कह दिया भूलो, जाओ खेलो। ध्रुव कहते समय नहीं है, हटो रास्ते से, हटो। बोले अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम बता सकते हो कि नारायण कैसे मिलेंगे तो ही बात करो, नहीं तो। अब हुआ क्या था कि भगवान स्वयं चाहते थे कि ध्रुव को नारद जी से दीक्षा मिले, तो नारद जी को भगवान ने प्रेरित करके वहां भेजा। और नारद जी उसकी परीक्षा ले रहे थे कि इसका दृढ़ निश्चय कितना है। जब नारद जी ने देखा कि इसका ये तो बहुत अपने प्रतिज्ञा पे अड़ा हुआ है, नारद जी ने उसको दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ये मंत्र का जप करो, मधुबन में जाओ, वृंदावन मथुरा के पास मधुबन में जाओ और वहां पे तपस्या करो, और इस मंत्र से तुरंत भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव ने 6 महीने के अंदर ऐसा कर दिया कि सारे ब्रह्मांड की हवा रुक गई। 6 महीने में ध्रुव की तपस्या से पूरे ब्रह्मांड की हवा रुक गई। सबको टेंशन होने लगा, सफोकेशन होने लगा। पता चला सब ब्रह्मा जी के पास गए, क्या हुआ क्या हुआ। पता चला ध्रुव तपस्या कर रहा है। तो अब क्या करें, सब भगवान के पास गए। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, अभी जाके मैं सॉल्व करता हूँ मैटर। भगवान आए, भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया। जैसे ही ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए, वो 5 साल का था, उसे क्या पता, ये क्या भगवान 6 महीने में आ गए ना, उसको भी नहीं पता था कितने जल्दी आ जाएंगे। 6 महीने में भगवान के दर्शन। अब ध्रुव, उसने थोड़ी ना कभी कोई शास्त्र पढ़ा, 5 साल का था, माँ ने कह दिया चले जाओ, चला गया। अब वो चाह रहा था कि हम भगवान को कुछ स्तुति करें, कुछ प्रार्थना करें, उसको कुछ पता ही नहीं था। भगवान उसके समस्या को समझे, भगवान सब जानते। भगवान ने अपना शंख से उसको टच किया सिर पे, बस वो टच किया, दिव्य ज्ञान सब मिल गया। और फिर ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान कहते हैं ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव कहते हैं भगवान कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते अच्छा मेरे को पढ़ा रहे हो, तो क्यों आए थे? कुछ नहीं चाहिए तो तपस्या करने क्यों आए थे? तो ध्रुव कहते हैं भगवान मैं आया था कांच के टुकड़ों की तलाश में, मुझे तो हीरा मिल गया। अब मैं क्यों? भगवान कहते हैं नहीं तुम्हें राज किसको चाहिए, किसको? आपके दिव्य दर्शन होने के बाद इस राज्य का मैं क्या करूंगा? हैं? तो भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक क्योंकि ध्रुव ने कहा था कि मैं अपने पितामह यानी कि ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे, तब तो मैं उत्तानपाद को नीचे दिखाऊंगा ना, तुमने मुझे बैठने नहीं दिया ना, ये देखो मैं तुमसे ऊपर बैठा हूँ। तो ध्रुव कहता है ये सब फालतू की चीज है, बकवास है। इसलिए जो भक्ति में जुड़ जाए उसको इन सब चीजों में नहीं अटकना चाहिए। अरे उनकी बिल्डिंग में 4 माले, हमारे में 2 और उठवाओ, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। भक्ति में जुड़ गया उसको क्या, भगवान मिल रहे हैं, अब तुम कहाँ कांच के टुकड़ों में अटके पड़े हो, है ना। तो ध्रुव कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान कहते हैं नहीं, हम तुम्हें एक अलग ग्रह देंगे जो कि बिल्कुल वैकुंठ जैसा है, जो प्रलय के समय खत्म नहीं होता, और वो है ध्रुव प्लैनेट। तो ध्रुव वही प्लैनेट है और भगवान ने उनको वो दिया। भगवान कहते हैं हम चाहते हैं कि आप जो है वापस जाएं और आप राज्य करें। ध्रुव कहते हैं आपकी सेवा है इसलिए हम करेंगे। ध्रुव कहते हैं एक हमारी इच्छा है कि जो आपके शुद्ध भक्त हैं, जो आपकी भक्ति बड़े अच्छे से करते हैं, आप हमें हमेशा उन भक्तों के बीच में रखें, बस यही मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आप कुछ देना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु बोला, ध्रुव से कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है, अच्छे से राज्य करो, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ध्रुव ने वापस गए और यहाँ पे नारद जी यहाँ पे तो इनको दीक्षा देके निकल गए, और वहाँ उत्तानपाद परेशान थे, मेरा बेटा कहाँ चला गया कहाँ चला गया। नारद जी वहाँ गए, बोले परेशान मत हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो यहीं पे 6 महीने तो हुए थे, है ना, वो तो ढूंढ रहे थे मेरा बेटा कहाँ है। नारद जी कहते आप तो इसी भी दुख में हो कि आपका बेटा कहाँ गया है, आपका बेटा आपको तो खुद भी कोई आइडिया नहीं हो किस स्थिति पे पहुंच गया है, आने वाला है कुछ दिन में, भगवान की प्राप्ति कर चुका है। आया ध्रुव, सब थाली लेके आरती के लिए खड़े हुए हैं। इस तरीके से ध्रुव आए। बाद में उत्तानपाद महाराज ने कई वर्षों तक राज किया, बाद में शून्य जंगल में चले गए भगवान की प्रार्थना के लिए, और उसके बाद ध्रुव राजा बने। बाद में उनका जो सुरुचि का बेटा था उसको यक्षों ने मार दिया। ध्रुव ने यक्षों से भी बहुत लड़ाई लड़ी उनसे बदला लेने के लिए, और फिर ब्रह्मा जी आए, लड़ाई शांत कराया। इस तरीके से बाद में अपना राज्य पूरा करने के बाद ध्रुव महाराज भी भगवत धाम गए। तो जिस समय ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे, वैकुंठ से विमान आया उनको लेने के लिए, तो वहां पे मृत्यु उपस्थित हुई, और ध्रुव ने मृत्यु के ऊपर पैर रख के विमान में चढ़े। समझ रहे, मृत्यु के ऊपर पैर रख के विमान में चढ़ गए और जाने लगे। तो जाते समय ध्रुव ने विष्णु दूतों से पूछा कि आज मैं इस भगवत धाम की तरफ जा रहा हूं, इसका श्रेय तो मेरी माँ को जाता है, क्योंकि मेरी माँ ने ये रास्ता दिखाया था कि नारायण की तरफ पूजा करो। मेरी माँ ने तो बोला था, सुनीति ने, कि नारायण के पास जाओ। तो उनका क्या हुआ, वो कहाँ है, ठीक है नहीं। तो वो लोग कहते हैं ऊपर देखो, ऊपर देखा तो एक और विमान जा रहा था जिसमें उनकी माँ पहले ही जा रही थी। इसलिए अगर बच्चे भक्त बन गए तो माता पिता तो वैसे ही, है ना, भगवत प्राप्ति में हो ही जाएगी। इसलिए जो भी प्रचार करता है ना, तो अगर कोई भक्त बन गया तो उसको जिसने भक्ति में मदद किया था उनका भी कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। इस तरीके से ध्रुव महाराज का वंश चलता है, और उनके ही वंश में आगे एक महाराजा अंग हुए और अच्छे राजा थे, जो कि बहुत दुष्ट राजा था, बहुत अपनी ही पूजा करवाता था, भगवान की भक्ति के खिलाफ था, साधुओं आदुओं को मारता वारता रहता था, है ना। तो ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा राजा वेण को मार डाला, मंत्रों से ही मार डाला। ब्राह्मणों को खूब पावर होता है ना, तो मंत्रों से वेण को मार डाला। फिर वेण के शरीर का मंथन करके, अपने राजा चाहिए था, राजा नहीं था कोई, सब अव्यवस्था फैल रही थी, तो उन्होंने वेण के शरीर का मंथन करके एक पुत्र की प्राप्ति की और उनका नाम हुआ पृथु। पृथु भगवान के शक्त्यावेशावतार हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा महारानी अर्ची है ना, दोनों प्रकट हुए। पृथु महाराज राजा बने। पृथु महाराज बहुत भगवत भक्त थे, उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य किया। 100 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए। तो जब 100वां अश्वमेध यज्ञ जब चल रहा था, 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इंद्र एक पद है, व्यक्ति नहीं है, है ना। इस समय इंद्र पद पे जो बैठा है उसका नाम है पुरंदर, ठीक है। तो इंद्र एक पद है ना। वो इतना पद का नाम इतना फेमस हो गया कि व्यक्ति का नाम लोग नहीं जानते है ना। अगर उसे पीएम बोलते रहते तो नाम मालूम नहीं मालूम है ना। ऐसी जो इंद्र अगर जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता वो क्या पद को प्राप्त करता है, इंद्र को। तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ सक्सेसफुली कर दिए। कितने अब कौन सा चल रहा था? तेंदुलकर का सुना आपने नर्वस 19 है? तो 99 पे खड़ा है, अभी सेंचुरी होने वाली है महाराजा पृथु की। तो किसको टेंशन हुआ? इंद्र को। क्या टेंशन हुआ कि अगर ये 100 कर लेंगे तो ये इंद्र बन गए तो इंद्र ने क्या किया, वो आए और एक जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है उसको चुरा के ले गए। उसको वो चुरा के ले गए। तो चुराने आए थे, साधु का वेश बना के, एक भगवा कपड़ा पहन के साधु का वेश बना के चोरी करने आए थे। भागवतम कहती है यहां से फर्जी साधुओं को आइडिया मिला। इंद्र ने ही आइडिया दिया कि आप क्यों, हुआ क्या, ये साधु वेश में आया, कोई पहचाना नहीं, घोड़ा लेके भाग गया, है ना। तो वहां पे जो ऋषि थे उन्होंने कहा ये महाराजा पृथु के बेटे का कि ये लेके जा रहा है ना घोड़ा। तो ये गया, बहुत वीर था, गया और देखा कि तो साधु वेश में, तो ये उसको मारा नहीं। इसलिए ब्राह्मण जो लोग थे उन्हें आइडिया मिला कि हाँ भाई, यहाँ से फर्जी साधु शुरू हुए। फर्स्ट दिन बताया था फर्जी ब्राह्मण कहाँ से शुरू हुए, ब्राह्मणों का पतन, जो श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज, यहाँ से वेशधारी साधु यहाँ से शुरू हुए। तो इस तरीके से इंद्र ने कई बार घोड़ा चुराया, हर बार वो ऐसी बच जाता था, और इस तरीके से हर बार नए नए साधु के भेष बना के आता था। तो जैसा भेष बनाता था वैसे आइडिया लोग पकड़ते थे। तो कई वैरायटी के फेक बाबा, कोई कपाली बाबा, कोई ये बाबा, कोई वो बाबा, सब बाबा लोग अपना अपना धंधा पकड़ के और शुरू हो गए। तो महाराजा पृथु ने देखा यार ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है, वो खड़े हो गए। अब मैं देखता हूं इंद्र को। जब महाराजा पृथु खड़े हो गए तो फिर सब ऋषियों ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, हम मंत्र पढ़ेंगे, इंद्र को इस यज्ञ में डाल देंगे, काम खत्म। उनके पास पावर होती थी। तो जब वो ये मंत्र पढ़ने लगे तो वहां ब्रह्मा जी आ गए, है ना। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहते हैं पृथु महाराज को कि छोड़ो ये सब। क्या छोड़ो? इंद्र को छोड़ो ये टेंशन, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मत करो। 100वां यज्ञ 99 कर लिए हमने, एक ही बचा, हमारी कोई गलती नहीं है, हम यज्ञ करने की हमें छूट है। इंद्र क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनको तो हम कुछ बोल नहीं रहे ना। पृथु महाराज ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप मत करो यार, 100 मत करो, इंद्र को परेशान मत करो, इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं भगवान की, उसको अगर दिक्कत हो रही तो आप मत परेशान करो। आप कहोगे यार ब्रह्मा जी गलत आदमी का साइड क्यों ले रहे हैं, ऐसे ही होता है भागवतम में, कई बार ऐसे ही होगा। तो ब्रह्मा जी एक पॉइंट बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भी एक तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हो, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, दोनों ही भक्त हैं। तो ये ऐसे होते हैं भक्तों के बीच में झगड़े, भागवतम में कई बार होंगे, है ना, वहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। तो कहते हैं आप मत करो, आप तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हो, आप इन सब में क्यों पड़े हो। तो पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात मान के, ये पृथु महाराज का चरित्र है, बड़े ने बोल दिया हमने मान लिया, बहस नहीं। जबकि कहाँ खड़े हैं 99 पे, अरे यार इतना 99 करने में सोचो कितनी मेहनत लगी होगी, हैं, फिर भी मान लिया। और ये पृथु महाराज की थी सबसे बड़ी परीक्षा, और जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली वो परीक्षा में पास हो गए। इसलिए कहते हैं कि हमें नहीं पता कब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो, हम अपना लॉजिक लगाते रह जाएंगे और भगवान की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जीवन में कोई भी कदम उठाए, गुरु साधु शास्त्र से पूछ के उठाए, तो आप समझ पाएंगे कि कब भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और गुरु साधु शास्त्र की सलाह से आप उस परीक्षा को पास कर पाएंगे। हुआ क्या, जैसे ये माने वैसे स्वयं भगवान आ गए, और भगवान कहते हैं कि पृथु महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब बोलो कौन जीता है कि नहीं। अगर वो अड़ जाते कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, इंद्र की गलती है, ऐसे कैसे आप हमें ही डांटते हो हर बार, वो तो बड़ी पोस्ट पे बैठा है तो उसको नहीं डांटते, छोटे को ही डांटते, ऐसा कैसे, हम तो नुकसान हो जाता। तो क्या हुआ, भगवान आ गए, और भगवान क्या बोलते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं पृथु महाराज से, है ना। भगवान गरुड़ से उतर के पृथु महाराज से बात किए, है ना, गरुड़ पे ऐसे हाथ रखा, अगर आपने फोटो देखा हो तो गरुड़ पे ऐसा हाथ रख के टिके हुए हैं भगवान, कहीं भगवान पृथु महाराज को गले लगाते, पृथु महाराज को बहुत तारीफ करते हैं कि आपने मुझे प्रसन्न किया है। इसलिए भागवतम इंद्र का ग्लोरिफिकेशन नहीं करता है, पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करता है। हार के भी जीत गए, है ना, हार के भी जीतने वाले को पृथु महाराज के दरी हो। तिरुपति गए कोई, छोटा सा एक और कथा बता देता हूँ इसी संदर्भ में। तिरुपति कौन गया है? तिरुपति में जो पहाड़ है उसको क्या बोलते हैं, तिरुमला और शेषाद्री। शेषाद्रि शेखर विभो तब सुप्रभातम, उसमें आता है ना, शेषाद्रि पहाड़ पे जो बैठे हैं। तो एक बार अनंत शेष में और वायु देव में हो गया क्या, ऐसा आप मत सोचा करो कि हाँ यहीं पे झगड़े सब जगह होते रहते चलता रहता है ना। तो अनंत शेष में और वायु देव में थोड़ा हो गया कि कौन पावरफुल है, तो उन्होंने कहा चलो कंपटीशन करते हैं, रेस। क्या रेस है, क्या कंपटीशन है, कि बैकुंठ से एक पत्थर उठाएंगे और एक पहाड़ या पत्थर को अनंत शेष रैप करेंगे, लपेट लेंगे, और वायुदेव ने कहा हम हवा मारेंगे, और एक भी पत्थर, एक कण, स्मॉल पार्टिकल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। फन ना गेम, ठीक है। तो अनंत शेष ने पूरी तरह से उस पत्थर को पकड़ लिया। अब वायुदेव लगे फूकने, अनंत तो अनंत, तो उससे कौन जीते, स्वयं भगवान है वो, उनका नाम ही अनंत है क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है। अपने हजारों फनों पे ब्रह्मांड को लेके, ब्रह्मांड कहां टिका हुआ है, अनंत शेष के फन पे, और अनंत शेष को ऐसे लगता है जैसे राई का एक दाना टिका है, बस उनके लिए वो राई का दाना है। तो उस अनंत से कौन जीतेगा। तो वायुदेव लगे हवा मारने, अब सब हवा खत्म हो गई, तो उन्होंने जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करी दी ना, पता चला जैसे सिलेंडर वाला होता है ना, अभी सब सिलेंडर खत्म हो गए तो घरों से भी मंगवा लिए, तो सब जगह से वायु मंगवा के लगे एक ही जगह पूरा फोर्स करने, सब जगह की वायु खींच ली, लोग मरने लगे, लोगों को सफोकेशन हो गई। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, सब लोग आए, पता चला इनका गेम चल रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं। तो सब लोग अरे क्या होगा, बोले वो तो उसमें गेम में सारी हवा लगा दी। तो वायुदेव तो लगे थे, तो लोगों को समझ में ये तो समझेंगे नहीं। तो भगवान अनंत से देवताओं ने प्रार्थना करी, आप तो समझो, दया करो जीवों पे, छोड़ दो, जाने दो। तो भगवान अनंत से इसने कहा चलो यार छोड़ो यार। और उन्होंने जैसे ही थोड़ा ग्रिप ढीला किया, अभी तो हवा मार रहे थे, तो एक कण उड़ गया और वो गिरा धरती पर। उसे कहते हैं शेषाद्री। अब हार किसकी हुई? अनंत शेष की एक तरीके से, लेकिन पहाड़ जो गिरा उसको नाम क्या मिला? शेषाद्री। तो वायु अब कितने जानते हैं, सब तो शेषाद्री शेषाद्री बोलते हैं, आदमी को तो कदा ही नहीं पता। तो वायुदेव का कोई गुणगान नहीं हुआ, क्यों? यहां पे हायर पर्पस के लिए हार स्वीकार कर लेना भी जीत होती है। यहाँ पे शेषाद्री के नाम से वो पहाड़ जो है आज भी है। फिर बाद में भगवान श्रीनिवास जब आए तो उन्होंने उस पर अपना स्थान बनाया ना, शेषाद्री पे। तो जो हार के जीते उसे कहते हैं पृथु महाराज, है ना। हमारे प्रभु जी उन्होंने एक सेमिनार दिया था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, 99 is greater than 100। तो इस तरीके से पृथु महाराज राजा थे। और पृथु महाराज के अब चूंकि इनके पहले जो वेण था उसने बहुत पाप किए, है ना, तो धरती माता नाराज थी, लोग पाप ज्यादा करने लगे, धरती माता नाराज थी। धरती माता ने सब जो सुख संपदा धन धान्य वो खींच लिया था, तो एक भी अनाज नहीं होता था। तो सब लोग आए पृथु महाराज के पास कि आप इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, राजा हैं, हमें अन्न दीजिए। तो पृथु महाराज ने कहा अन्न क्यों नहीं हो रहा है? पता किया तो पता चला कि पृथ्वी ने अन्न को अपने बंद करके रखा है ना। जब भूमि देवी नाराज होती है तो धन धान्य संपदा नहीं आती, है ना, समझ रहे कि नहीं। तो इस तरीके से पृथु महाराज ने भूमि देवी को गुस्सा किया और भूमि देवी गाय के रूप में भागी, है ना, फोटो था। पृथु महाराज धनुष लेके भूमि देवी को पीछे पीछे भागे और भूमि देवी भागती गई अपनी रक्षा के लिए। और बाद में जब बच नहीं पा रही थी तो उन्होंने पृथु महाराज से सरेंडर कर दिया और विनती करी कि आप ऐसा ना करें, और चूंकि इतना पाप बढ़ गया है इसलिए मैंने सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। तो पृथु महाराज कहते हैं राजा मैं हूं, मैं पाप को कंट्रोल करूंगा और आप जो है धन दान दीजिए। उसके बाद गाय के रूप में थी तो पृथु महाराज उन्होंने कहा जैसे गाय से दूध निकाला जाता है उसी तरह से आप दोहन कीजिए और आपको सब कुछ मिलेगा। तो पृथु महाराज ने भूमि देवी का दोहन करके सारी सुख संपदा धन धान प्राप्त किया और भी देवताओं ने सब कुछ प्राप्त किया। इस तरीके से फिर से सब बढ़िया हो गया। इस तरीके से इन्हीं के पृथु महाराज के वंश में आगे चल के एक राजा हुए प्राचीन बरही। तो इनके पुत्र, ये बहुत कर्मकांडी राजा थे। कर्मकांड से मतलब होता है कि कई तरह के यज्ञ करना, कई तरह की पूजा करना, कई तरह के हवन हवन सब करते रहना, है ना, कोई स्वर्ग जाने के लिए सब। तो इंद्र ने, तो नारद जी ने इनको समझाया कि भाई ये सब मत करो आप। इनके थे पुत्र 10 प्रचेता। वो 10 साथ साथ रहते थे तो उनको साथ साथ प्रचेता गण बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रचेता जो थे इनको प्राचीन बरही ने कहा कि संतान की उत्पत्ति कीजिए। तो ये तपस्या करने के लिए जा रहे थे, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो ये जब इस खोज में जा रहे थे कि नारायण को तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, तो रास्ते में इनको एक तालाब मिला और उस तालाब से भगवान शंकर निकल के आ रहे थे। तो इन्होंने जब भगवान शंकर को देखा तो अचानक से चकित हो गए, अचानक से शंकर जी मिल जाए। तो इन्होंने बड़ा प्रणाम वगैरह किया, शंकर जी को वार्तालाप हुआ। तो पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे? तो शंकर जी कहते हैं कि आपका जो भाव है नारायण की पूजा करना, नारायण की भक्ति करना, उसको देख के मैं यहाँ आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको आइडिया दूंगा। जैसे भी ध्रुव को आए अचानक से नारद जी, भगवान देखते हैं कि कौन अच्छे भाव से मेरी तलाश कर रहा है। तो जो अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से भगवान की तलाश में जाता है, उसके पास भगवान स्वयं एक प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं। और जो फर्जी भाव से जाता है, धोखा देने के भाव से जाता है, उसके पास धोखेबाज गुरु आता है। जो शुद्ध भाव से भगवान की खोज कर रहा है, उसे ही शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिलेगा, है ना। तो भगवान शंकर वहां आए और भगवान शंकर ने प्रचेताओं को शिक्षा दिया और उसे कहते हैं रुद्रगीत।